Okay, so we'll do it. See the question first. Root 3, root 7 minus root 3. ठीक है, ये ऐसा question आपको दिया है. You have to do the multiplication. So let us do this multiplication. We have already studied this. Okay, so first of all I'll write this root 3 minus bracket root 7 minus root 3. Now I will do the multiplication. Root 3 into root 7, I'll make it in the form, I'll open the bracket. ठीक है, एंड रूट थ्री माइनस साइन विल बी देयर एंड रूट थ्री इंटू रूट थ्री. ठीक है, पहले इस तरह से आप लिख लेंगे उसको एंड देन यू विल मल्टीप्लाई. रूट थ्री इंटू रूट सेवन बिकम्स वॉट रूट 21 माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री बिकम्स वॉट रूट 9. बराबर है, सो रूट 21 विल रिमेन एज इट इज एंड रूट 9 विल बिकम 3. तो यही आपका आंसर होगा, रूट 21 माइनस रूट 3. ओके, आपके आंसर्स, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस थ्री प्लस रूट 21, कैसे भी लिखिए, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग. या तो आप ऐसे भी लिख के छोड़ देंगे तो भी यही है फाइनल आंसर है, या तो फिर आप उसको अरेंज करेंगे तो इस तरह से. टेक्स्ट बुक में पीछे जो आपके आंसर्स दिए रहते हैं या नोट्स में आपको आंसर्स दिए हैं तो वो इस तरह से फॉर्मेट में है. ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप यही फॉर्मेट में आंसर लिखिए, यही फॉर्मेट भी सही है. रूट 21 माइनस 3, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, खाली अरेंज कर दिए. ओके, दैट्स इट. क्लियर हो गए? ओके, टेक द अनदर सम, सेकेंड सम, रूट 5 माइनस रूट 7 इंटू रूट 2. नाउ ट्राई दिस. नाउ मल्टीप्लाई दिस रूट 2 इंटू रूट दिस ब्रैकेट, ओपन दिस ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई इन दिस वे. देखिए, आपको मैं आपको ईजी के लिए मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूँ, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू. देखिए, इस तरह से इसको घुमा दिए, रूट टू को यहाँ पर लेके आ गया. अब इसको ओपन करिए ब्रैकेट एंड यू सॉल्व. रूट टू इंटू रूट फाइव माइनस रूट टू इंटू रूट सेवन. बराबर ना, ओपन किया ब्रैकेट को और रूट टू मल्टीप्लाई किया दोनों टर्म से. नाउ रूट टू इंटू रूट फाइव बिकम्स वॉट रूट टेन and root 2 into root 7 becomes what? 14. 2 7s are 14, right? So this is your answer. Correct? See the steps. Next, third sum. 3 root 2 minus root 3. Second bracket, 4 root 3 minus root 2. अब इसको सॉल्व करना है आपको. ओके, यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट. ओके, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस. आइदर यू ब्रेक दिस ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, और यू ब्रेक द सेकेंड ब्रैकेट. ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू. और आपको पता है कि इस तरह के सम्स हम लोग कैसे करते थे, एट स्टैंडर्ड में भी आपने सीखा है. ओके, ओपन द ब्रैकेट, किस तरह से ब्रैकेट ओपन होता है दैट यू नो, राइट? I'll do here. देखिए, ये ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ, ये फर्स्ट ब्रैकेट को. ओके, सो आई राइट हियर थ्री रूट टू एंड मल्टीप्लाई विद दिस होल ब्रैकेट, दैट इज फोर रूट थ्री माइनस रूट टू. इसके बाद दूसरा टर्म क्या है, यहाँ पे थ्री रूट टू ले लिया और दूसरा क्या है, माइनस रूट थ्री, राइट? तो माइनस रूट थ्री, फिर से ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, फोर रूट थ्री माइनस रूट टू, करेक्ट? सो वॉट आई विल गेट हियर, I'll open the bracket, 3 root 2 into 4 root 3 minus 3 root 2 into root 2 minus root 3 into 4 root 3. और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट? एंड वॉट इज रिमेनिंग, रूट 3 into root 2. बराबर, मैंने ओपन कर दिया ब्रैकेट, ध्यान दीजिए. ओके, पे अटेंशन है. सो नाउ यू नो थ्री फोर्स आर 12, राइट? अगर आप ये ब्रैकेट को देखेंगे, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, सॉरी ये टर्म को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, थ्री फोर्स आर 12.
एंड रूट टू इंटू रूट थ्री बिकम्स वॉट, रूट सिक्स, माइनस थ्री रूट टू इंटू रूट टू। देखिए रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाता है, फोर हो जाते हैं, ओके। और फोर कैन बी रिटन, रूट फोर कैन बी रिटन एज टू, सो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, दैट विल बी ईजी। सो थ्री इंटू टू, समझा ना आपको, ये देखिए रूट टू इंटू रूट टू, रूट फोर, रूट फोर कैन बी रिटन एज टू, यहाँ पे टू लिखा है, राइट, ओके। माइनस अब देखिए यहाँ पर रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट नाइन होता है, रूट नाइन कैन बी रिटन एज थ्री, राइट, और फोर ऑलरेडी है तो फोर इंटू थ्री, करेक्ट, और रूट थ्री इंटू रूट टू क्या हो जाता है आपका, सिक्स हो जाता है, तो प्लस सिक्स, गेटिंग, ओके। नाउ ट्वेल्व रूट सिक्स, सॉरी रूट सिक्स, राइट, ये रूट सिक्स होगा आपका, रूट थ्री इंटू रूट टू बिकम्स रूट सिक्स, करेक्ट। सो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ट्वेल्व रूट सिक्स माइनस थ्री टू जल सिक्स, फोर थ्री जल ट्वेल्व, प्लस रूट सिक्स। सो अब देखिए ये और ये कॉमन है, रूट सिक्स कॉमन है, ओके। सो आई विल टेक ट्वेल्व प्लस वन ब्रैकेट के बाहर रूट सिक्स, माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व कितना होता है आपका, 18 होता है, माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व कितना होता है, माइनस 18, राइट। सो 12 प्लस वन 13, रूट सिक्स माइनस 18, दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट। ये ध्यान से आपको लिखना होगा, ध्यान से आपको उसको सॉल्व करना होगा, ओके। अगर एक भी मिस्टेक हो गया तो आपको आंसर करेक्ट नहीं आएगा, तो ये स्टेप्स आप देख लीजिए, आई विल वेट फॉर वन मिनट, ओके, एंड देन विल मूव फर्दर। सिंपली आई हैव ब्रोकन द ब्रैकेट एंड आई हैव स्टार्ट सॉल्विंग दिस। देखिए हर एक टर्म, हर एक स्टेप्स देख लीजिए, ओके, वन बाय वन स्टेप्स आई हैव सॉल्व एंड देन आई गॉट द आंसर, फाइनल आंसर। Okay students, later you can pause this video and again you can see. Now we'll move further with question number 2, rationalize the denominator, same thing which we have done earlier also, but this is little bit different, okay, than the previous one. और किस तरह से ये different है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये सम कुछ इस तरह से दिए है, 1 upon root 7 plus root, इस तरह से ये सम दिया, वन अपॉन रूट सेवन प्लस रूट टू, ओके। नाउ इनिशियली इन 2.3 एक्सरसाइज खाली इस तरह से हम लोग रैशनलाइज करते थे, सपोज रूट सेवन रहता था या वन अपॉन रूट फाइव होता था, इस तरह से डिनोमिनेटर, इस तरह से हम लोग रैशनलाइज करते थे। सो दैट वॉज सपोज टू डू, दैट वॉज ईजी, राइट। खाली आप क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर में टर्म होता था उसको आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते थे और आप उसको सॉल्व करके आंसर। बट हियर दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सम। Now here you don't have to do in this way. Now here what you have to see, अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि denominator में जो term है root 7 plus root 2, right? यहाँ पे दो surds एक साथ में दिए हैं, okay? एक surds नहीं है, दो surds एक साथ में। So that time what you have to do, that I'm going to tell you, right? Pay attention here. तो उस time पे किस तरह से rationalize करना है, so that I will tell you. So first of all you will write the question root 7 plus root, so what you will write first step, conjugate लिखेंगे यार, conjugate of root 7 plus root 2 is root 7 minus root 2। हमेशा याद रखिए conjugate का मतलब होता है कि साइन चेंज हो जाता है। डिनोमिनेटर में जो टर्म है, डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, रूट सेवन प्लस रूट टू, अगर मैं इसका कॉन्जिक्यूट लूंगा सो इट बिकम्स वॉट, रूट सेवन माइनस रूट टू, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है उसको, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर वन अपॉन रूट सेवन प्लस रूट टू, ये जो है आपको इसमें क्या करना है,
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, ये वाले जो टर्म दिख रहा है ना आपको रूट सेवन माइनस रूट टू जिसका कॉन्जुगेट लिया है आपने, ठीक है, तो वो आपको उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस करना है ऐसा, करेक्ट, और फिर आपको उसको सॉल्व करना है। ओके सो हाउ टू सॉल्व दिस, लेट अस चेक इट नाउ, आई विल डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके आई विल रब दिस पार्ट नाउ, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस, सो आई विल राइट इट वंस अगेन हियर, रूट सेवन प्लस रूट टू इज इक्वल टू वन अपॉन रूट सेवन प्लस रूट टू इंटू रूट सेवन माइनस रूट टू अपॉन रूट सेवन माइनस रूट टू, करेक्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए वन इंटू रूट सेवन माइनस रूट टू विल बिकम सेम थिंग, ये तो सॉल्व हो गया। अब आप ये वाला जो टर्म देखेंगे, ठीक है, ये वाला टर्म देखिए यहाँ पर दिस वन एंड दिस वन डिनोमिनेटर में जो लिखा है, डिड इट लुक लाइक अ फॉर्मूला, कोई फार्मूला जैसे लग रहा है आपको, ये देखिए ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, राइट, तो आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज वॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, यस, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूमरेटर में रूट सेवन द होल स्क्वायर माइनस रूट टू द होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको लिखना होगा, रीजन लिखना होगा, तो यूजिंग रीजन लिख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रीजन है इसका, क्योंकि आपको पता है ये देखिए ये वाला टर्म देखिए और ये वाला टर्म देखिए जो बॉक्स किया है मैंने, इट इज अ फॉर्मेट ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी, राइट, तो इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज रूट सेवन द स्क्वायर माइनस रूट टू द स्क्वायर, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगा के सॉल्व कर दिया सो दैट इट विल बी ईजी, आप मल्टीप्लाई करिए तो भी आपको आंसर वही आने वाला है। सो वॉट यू विल डू हियर फर्दर, रूट सेवन माइनस रूट टू विल रिमेन एज इट इज, रूट सेवन का स्क्वायर क्या होता है सेवन होता है, राइट, क्योंकि रूट सेवन स्क्वायर मीन्स रूट सेवन इंटू रूट सेवन रूट फोर्टी नाइन, रूट फोर्टी नाइन इज सेवन एंड रूट टू इज नथिंग बट टू, सो वॉट यू विल गेट हियर रूट सेवन माइनस रूट टू अपॉन सेवन माइनस टू इज फाइव, ये आपका आंसर, रूट सेवन माइनस रूट टू अपॉन फाइव ये आपका आंसर, करेक्ट, सिंपल फॉर्मूला यूज करके हम लोग ने इसको सॉल्व कर दिया, चेक कर लीजिए आप। गेटिंग ओके, नाउ लेट अस मूव टू द अनदर सम नाउ, सेकेंड सम, थ्री अपॉन टू रूट फाइव माइनस थ्री रूट टू, चलिए इसको सॉल्व करना, सेम थिंग यू हैव टू डू हियर ऑल्सो, वॉट यू विल से कॉन्जिक्यूट लेंगे, ओके कॉन्जिक्यूट ऑफ टू रूट फाइव माइनस थ्री रूट टू इज वॉट, देखिए यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्जिक्यूट प्लस हो जाएगा, सो टू रूट फाइव प्लस थ्री रूट टू, बराबर, इसका कॉन्जिक्यूट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, राइट, अब आप क्या करेंगे ये जो टर्म है टू रूट फाइव प्लस थ्री रूट टू, आप इसको यहाँ पर ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू डू इट नाउ, लेट अस सी, आई विल रब दिस पार्ट नाउ क्योंकि मुझे लिखना होगा, ओके सो आई विल सॉल्व हियर, थ्री अपॉन टू रूट फाइव माइनस थ्री रूट टू इज इक्वल टू कॉन्जुगेट क्या मिला आपको टू रूट फाइव माइनस है तो प्लस, राइट, बस इतना ही फर्क है और प्लस है तो माइनस, बाकी सब चीजें सेम होगी। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस, आप इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख दीजिए,
तो मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा आपके लिए। और ये देखिए यहाँ पर भी, ये भी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, वन ऑफ द सेम थिंग ना, यही फार्मूला यूज़ किया है यहाँ पे। तो आपको फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पर भी और इसको लिखना है टू रूट फाइव द होल स्क्वायर माइनस रूट टू द होल स्क्वायर। तो ये कहाँ से आया है, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये रीज़न आप लिख दीजिए इधर, यूजिंग ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रीज़न आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, सेम थिंग। ओके, तो इसको आप सॉल्व करिए। देखिए थ्री रूट थ्री टू ज़ार सिक्स रूट फाइव एंड थ्री टू ज़ार सिक्स, राइट। यहाँ पे सब जगह थ्री है, राइट। ओके, ये रूट थ्री रूट टू है, एक मिनट, ये इसको मैं लिख देता हूँ अच्छे से। ये देखिए हम लोग को इतना मिला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस, सो आई विल टेक अ न्यू पेज। करेक्ट, नाउ हियर ऑल्सो वील यूज़ द फार्मूला। देखिए ये पूरा टर्म हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री ए और इन टू दिस होल टर्म। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ इस तरह से, एंड देन वील मल्टीप्लाई दिस टर्म एंड दिस टर्म। दिस इज अगेन द फार्मूला ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो यू नो द फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो टू रूट फाइव द होल स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू द होल स्क्वायर, करेक्ट। रीज़न यू विल राइट हियर, रीज़न आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। यूजिंग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। सो नाउ यू विल कंटिन्यू। देखिए थ्री टू ज़ार सिक्स रूट फाइव माइनस थ्री थ्री ज़ार नाइन रूट टू, करेक्ट। मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या बचेगा, टू का स्क्वायर फोर। अब रूट फाइव का स्क्वायर क्या होता है, रूट फाइव इंटू रूट फाइव रूट ट्वेंटी फाइव, एंड रूट ट्वेंटी फाइव कैन बी रिटन एज फाइव। सो फाइव टू ज़ार टेन डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। और इसका क्या होगा आपका सॉल्व करने पे, थ्री थ्री ज़ार नाइन, सॉरी टू टू ज़ार फोर, फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी, राइट। ये ट्वेंटी हो जाएगा और ये देखिए थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन, एंड रूट टू का स्क्वायर क्या होता है टू। सो नाइन टू ज़ार एटीन, सो सिक्स रूट फाइव माइनस नाइन रूट टू, ट्वेंटी माइनस एटीन इज टू। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा।